हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे कि अगर हमें कोई स्लग जनरेट करना हो तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे स्लग का मतलब ये है कि लेट्स से अगर मुझे एक CMS बनाना है ई कॉमर्स में या न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, तो अगर मैं कोई भी टाइटल लिखूँ तो उससे रिलेटेड मुझे एक स्लग मिल जाए जो कि डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। जब दोबारा कोई सेम पेज बनाए तो वो ऑटोमेटिकली एक आईडी ऐड कर दे, ना कि सेम स्लग को डेटाबेस में डाल दे। और तीसरी चीज, अगर कोई कुछ इसमें चेंज करके पुराना स्लग ऐड करना चाहे तो ये बोल दे स्लग ऑलरेडी एडिट है। तो ये किस तरीके से अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है आप बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गाइस यूज करने वाले हैं PHP का डेटाबेस है, MySQL का और एजेक्स का, jQuery का मैं यहाँ पे हेल्प से बना रहा हूँ। आप अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में भी इसको बनाना चाहते हैं तो सिंपल इसी तरीके से बना सकते हैं, सिंटेक्स चेंज होंगे, लॉजिक यही रहेगा। एक और चीज़ कि रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला API वाला, तो वो YouTube जो था उसने स्ट्राइक डाल के रिमूव कर दी और बोला है कि कुछ हार्मफुल कंटेंट मैंने अपलोड करा है। आजकल टर्मिनेशन और स्ट्राइक है वही ज़िंदगी में चल रही है, पहले क्रिप्टो चैनल उड़ा और उसके बाद यहाँ पे भी स्ट्राइक आ गया। खैर उसमें कुछ ऐसा था नहीं, पर रिमूव हो गया वो, जिस वजह से एक वीक का एक टाइम भी आ गया था कि एक वीक तक कोई भी वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते, जिस वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया हमारे वीडियो अपलोड करने में। तो सोर्स कोड इसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्लग वाले का, डेटाबेस की टेबल के साथ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइज एक बार स्क्रीन पे हमारे और इसको डिस्कस करते हैं। तो गाइज एक बेसिक ना HTML का जो फॉर्म है वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, नॉर्मल है। एक खाली मैंने यहाँ पे दो TR लिए हुए हैं, इसके अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, एक टाइटल के लिए, एक स्लग के लिए और एक बटन है जो मैंने यहाँ पे बना के डाल दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और, ये एडिटर का यार क्वेश्चन आएगा हर बार की तरह, जो एडिटर आपको पसंद आए करो। मैं शुरू से ही Notepad++ का यूज़ करता हूँ तो आज भी उसी पे यूज़ करता हूँ, पर हाँ अगर मुझे VS Code की डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़े वहाँ पे मैं VS Code यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं यही प्रेफर करता हूँ। आपका मन है यार जो एडिटर यूज़ करना चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा डेटाबेस पे ऑलरेडी एक टेबल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे टाइटल और स्लग की, जहाँ पे हमारा डेटा जो है एंटर होता रहेगा। तो अब देखो क्या करना है हमें कुछ ऐसा चाहिए कि लेट से मैं यहाँ पे अबाउट अस लिखूं। जैसे ही मैं यहाँ पे अबाउट अस लिखता हूँ वैसे ही मेरा जो स्लग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाए अबाउट अस। ये काम हमें यहाँ पे करना है। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब मैं अबाउट अस बना रहा हूँ और ये अबाउट अस नाम का स्लग जो है ये ऑलरेडी हमारे डेटाबेस की टेबल में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो एक इसके आगे नंबर ऐड हो जाए और वो नंबर इस तरीके से हो जाए कि जो भी पुरानी वाली आईडी थी उसके आगे का जो नंबर है कुछ यहां पे ऐड हो जाए। इस तरीके से हमें यहां पे करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे जावास्क्रिप्ट से भी हम लोग कर सकते हैं, पर जावास्क्रिप्ट से हमें ये चीज पता नहीं चलेगी कि ऑलरेडी कोई स्लग डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एजेक्स का यूज करूंगा jQuery की हेल्प से। सर्वर पे हमारा ऑलरेडी एक पेज पड़ा हुआ होगा, मैं लेट से एक पेज बना लेता हूँ यहाँ पे get_slug। ये क्या करेगा, ये पेज मुझे मेरा जो स्लग है वो बताएगा कि क्या पढ़ा होगा और वो कहाँ से होगा, वो होगा हमारा इधर के तरफ से, पेज से काम चलेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे jQuery की। अगेन आप लोगों का डिपेंड करता है, आप लोग अगर किसी और तरीके से भी एजेक्स को हिट करना चाहते हो, jQuery का यूज़ नहीं करना तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, हम लोगों का ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, अगर आप लोगों को ये java.net किसी भी चीज़ में करना है तो आप वहाँ पे भी उस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं एक jQuery की जो फाइल है उसको ले लेता हूँ और मेरी टेबल के नीचे यहाँ पे डाल देता हूँ और एक मैं मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जानते ही आप लोग एजेक्स का यूज़ तो करना पड़ेगा हमें। अब हमें बोलना है कि जैसे ही हमारा ये जो टाइटल है ये चेंज होता है, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे jQuery ID this.change। जैसे ही ये हमारा चेंज होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और फिलहाल देखने के लिए कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है मैं खाली यहाँ पे फंक्शन पे एक अलर्ट डाल देता हूँ। एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं, देखिए बराबर आ गया। अब क्या करना है, जब भी हमारा ये अलर्ट होगा वो टाइम पे ये जो भी टेक्स्ट था टाइटल के अंदर वो हमें यहाँ पे उठा लेना है। तो मैं बोल देता हूँ वेर टाइटल इज इक्वल टू jQuery और टाइटल डॉट वेल।
क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ से इसको उठा लेते हैं और एक बार इसको भी अलर्ट में डाल देते हैं, अलर्ट में, कंसोल में, जहाँ भी डालना चाहो आप उसे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, एजेक्स की हेल्प से इसको यहाँ भेजेंगे और ये पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये देखना कि स्लग हमें क्या जनरेट करके यहाँ पे देना है। तो मैं बोल देता हूँ जेक्वेरी डॉट एजेक्स, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे पहला तो URL, किस URL को हिट करना है हमें, तो वो हो जाएगा हमारा get underscore slug dot php slug। ठीक है जी, इसके बाद टाइप हमें भेजना पड़ेगा, अभी किस टाइप से भेज रहे हैं, तो मैं बोल देता हूँ पोस्ट टाइप से भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या डेटा भेज रहे हैं, तो मैं डाल देता हूँ टाइटल इज इक्वल टू concatenate, टाइटल भेज देते हैं और सक्सेस फंक्शन, फंक्शन के अंदर डाला हम लोगों ने RUSLT रिजल्ट। थोड़ा सा गाइस इचिंग हो रही है तो मे बी आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो एक बार यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिटर्न कर देते हैं देखने के लिए कि भाई हमें बराबर सब कुछ मिला है कि नहीं मिला। तो एक बार चलते हैं, चलो अब ये वाला जो डेटा आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका कहाँ से, एजेक्स से। अब देखिए, अच्छा यार ये ना एजेक्स का यूज़ करा है हम लोगों ने, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है ना तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो डाल दूंगा एजेक्स का, पूरा डिटेल में एजेक्स जो है एक्सप्लेन करा है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं अभी क्या है कि अगर इस पेज को पोस्ट के थ्रू, चलिए इस लाइन को मैं बाद में लिखूंगा, अगर रीज़न जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब लिखेंगे तो थोड़ा ईजिली समझ में आएगा आपको। तो क्या है, पोस्ट से हमें टाइटल मिला वो हम लोगों ने यहाँ डाल दिया इस तरीके से, और इको ही मैं डॉलर टाइटल कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा, मैंने बोला जो टाइटल मुझे पोस्ट से मिला वही टाइटल मुझे रिटर्न कर दो, और यहां पे मैंने बोला कि जो हमारा स्लग वाला आईडी था ना स्लग वाला आईडी था उसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो डाल दो। अब देखो क्या होगा, अब जो भी ये पेज हमें रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली हमारा स्लग का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आ जाएगा। देखो मैंने ये डाला, ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने बोला अबाउट अस, यहाँ पे अबाउट अस आ गया, लेकिन यहाँ पे ए स्मॉल होना चाहिए था, स्पेस रिमूव होना चाहिए था और ये ऐसे आना चाहिए था। अब ये डेटा कौन भेज रहा है, ये डेटा भेज रहा है ये पेज। तो इस पेज पे हम ये बोलते हैं कि डॉलर टाइटल इज इक्वल टू str टू लोअर कर देते हैं। क्या होगा भाई, जो भी टेक्स्ट है वो लोअर कन्वर्ट हो जाएगा इको टाइटल। अब देखिए क्या होता है, अब हमने बोला ABOUT अबाउट अस, देखो स्मॉल आ गया। अब यहां पे एक डैश चाहिए हमें, तो उसके लिए हम बोल देते हैं टाइटल इज इक्वल टू str underscore रिप्लेस, और रिप्लेस में किस चीज को किससे रिप्लेस करना है कहां पे, तो हमने बोला कि जहां पे भी स्पेस आए उसको इससे रिप्लेस करो इसके अंदर। अब देखिए क्या होता है, अब मैंने बोला, जैसे ही हम लोगों ने बोला एस, ये क्या हुआ, कंट्रोल F5 अबाउट अस, ये देखो अब जो भी वहां पे आएगा, लेट से हमने बोला माय प्रोफाइल डिटेल्स, देखो जैसे ही मैंने टैब मारता हूं माय प्रोफाइल डिटेल्स लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे डाल देता है। अच्छा एक और दिक्कत यह है कि जब मैं इस केस में यहाँ पे कुछ ये सिंबल डालूं तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी हम रिप्लेस कर दें। अब आपके ऊपर है, देखो जो चीज़ भी रिप्लेस करना चाहो वो यहाँ पे इस तरीके से डाल दो। मैंने बोल दिया माय प्रोफाइल डिटेल्स, आई ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया हमने, इसको मैं सिंपल हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, या मैंने बोला इसकी जगह भी डैश डाल दो, जो भी आप करना चाहें मैं हटा देता हूँ इसे। देखिए अब देखिए ऑटोमेटिकली हट गया, तो ये हमारा जो स्लग है वो यहां पे जनरेट हो गया। अब कैसा है कि जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो जो भी हमारा डेटा है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए, अभी एक तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इसी चीज में एक चेंज करना होगा, वो क्या करना होगा वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। तो हम क्या करते हैं, एक और पेज बना लेते हैं सबमिट स्लग के नाम से, यहां हम कर देते हैं या सबमिट कर देता हूं मैं सिंपल। अच्छा इस पेज में भी अभी ना इशू है हमारे, अभी वो थोड़ी देर में इशू की जब जरूरत पड़ेगी ना तब मैं आपको वो इशू जो है वहां पे दिखाऊंगा, एक ही बार में रिजॉल्व करेंगे उसे। तो यहां पे हमें दो चीजें मिलेंगी, स्लग और
टाइटल। अब एक ज़रूरत पड़ेगी हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी की। अब यार देखो, कोई भी तरीके से जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो उससे आप यहाँ पे कनेक्ट कर लो। मैं जो अपना रेगुलर तरीका है उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। MySQLi underscore connect, PDO का यूज़ करना है। अगेन देखो, अब ये सब चीज़ें ना आपका रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि PDO का यूज़ कैसे करते हैं, मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। अब आप ये लॉजिक का यूज़ करो और उसके बाद भाई जैसे कनेक्ट करना चाहे वो आप कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अब हमने बोला कि डेटाबेस की टेबल में ये डेटा डाल दो, MySQLi underscore query, पहला पैरामीटर कनेक्टिविटी, इंसर्ट इनटू टेबल पोस्ट वैल्यूज, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने बोल दिया भाई टाइटल, आई गेस हमने डेटाबेस में टाइटल ही रखा था शायद, हाँ टाइटल और स्लग है, और स्लग इसे स्लग कर देते हैं। अब मैंने यहाँ बोल दिया डॉलर टाइटल, यहाँ बोल दिया डॉलर स्लग। अब एक बार देख लेते हैं भाई इंसर्ट हुआ कि डेटा हमारा नहीं हुआ। कंट्रोल F5, देखें भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसको चलता हूँ पोस्ट, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं भाई, कहाँ गया इंस्पेक्ट। एक बार में तो कोड अपना चलता ही नहीं है ना। नेटवर्क देखें भाई क्या हुआ। अच्छा ये डेटा रिटर्न होके हमारे पास आ गया, ये क्या हुआ, टू 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 टू, ये हमने डेटा इंसर्ट कराया पर ये रिटर्न कैसे आ गया कुछ भी। कंट्रोल F5, ये आ रहा है गेट्स लग। अच्छा सॉरी मैं भी बेवकूफ हूँ, हमें सबमिट करना है ना, जब तक सबमिट नहीं करेंगे डेटा कैसे इंसर्ट होगा। तो सबमिट किया हमने, रिक्वेस्ट तो कोई गई नहीं, एक बार देख लेते हैं। अच्छा सबमिट का हम लोगों ने बटन बटन पे हम लोगों ने कुछ क्लिक ही नहीं बनाया। अब जब क्लिक ही नहीं बनाएंगे तो चलेगा कैसे, वही बोलेंगे कुछ एरर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने बोल दिया यहाँ पे सबमिट, कहाँ रहा बटन, BTN। तो मैंने बोल दिया कि जब भी BTN पे क्लिक होगा तो हम लोग सारा डेटा जो है उठा लेंगे, ये भी और स्लग का भी, और इसको मैं सबमिट के पेज पे यहाँ पे भेज देता हूँ। सबमिट पोस्ट, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ampersand slug is equal to concatenate slug। डेटा रिटर्न होके अगर मेरे पास कुछ आएगा कोई बात नहीं, मैं उसे फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूँ। और कंट्रोल F5, हम लोग आए, ये क्या हुआ, एक बार पेज रीलोड कर देते हैं। हमारे पास ये आया, सबमिट के बटन पे क्लिक करा, कोई एरर तो आई नहीं। डेटाबेस में डेटा देख लेते हैं, तो ये डेटा बराबर यहाँ पे सबमिट हो गया। इतना काम फर्स्ट लेवल पे कंप्लीट है। अच्छा क्या होता है कि दोबारा मैं अगर ये करूँ तो फिर क्या होगा, मैं लेट से इस पेज को रीलोड कर देता हूँ, दोबारा मैं करूँगा तो क्या होगा। तो ये क्या हुआ भाई, सबमिट, दोबारा डेटा इंसर्ट हो गया। होना क्या चाहिए था कि अगर मेरा ये स्लग जनरेटेड है तो दोबारा इसको, एक तो मुझे ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था, और अगर ऑप्शन दे भी रहा है और मैं जब सबमिट पे क्लिक करूं तो उसको मुझे बताना चाहिए कि भाई ये स्लग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो पहला काम ये है कि ये दोबारा अगर कोई स्लग डेटाबेस में इंसर्टेड है तो वो स्लग का ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे ना दे। एक तो कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसी पेज पे यहाँ पे डाल देता हूँ इस कनेक्टिविटी को। एक अलग से फाइल भी बना सकते थे पर यार दो पेज हैं, बनाना है तो आप बना लो उसे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस में चेक करते हैं कि ये वाला जो स्लग है वो डेटाबेस में, ये जो स्लग बना ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो मैंने बोला यहाँ पे res इज इक्वल टू MySQLi underscore query, और यहाँ पे हमने बोला कनेक्टिविटी, और हमने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट वेयर SLUG इज इक्वल टू, ये जो फाइनली स्लग बना, इनफैक्ट ये स्लग होना चाहिए, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा।
अब ये स्लग एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अब देखो दो चीजें, या तो ये एग्जिस्ट करेगा इफ MySQLi underscore num underscore rows of $res is greater than zero, मतलब वो स्लग ऑलरेडी है डेटाबेस में, अगर है तो कुछ अलग करो और अगर नहीं है तो स्लग को इको कर दो। अब देखिएगा क्या होता है, इतने से पहले टेस्ट कर लेते हैं अपन, कंट्रोल F5। अब देखिए, अब यहां पे मुझे कोई भी स्लग रिटर्न में मिला ही नहीं, और अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं तो ये स्लग मुझे मिल गया, मतलब इतना चल रहा है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो स्लग एग्जिस्ट करता है हमारे पास तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में चेक करूंगा कि उसकी आईडी क्या थी, और उसमें से एक और एक नंबर इंसर्ट करके उसकी आईडी यहां पे जनरेट कर लेते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, रो इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव आर एस। अब यहां पे मैं बोल देता हूं डॉलर आईडी इज इक्वल टू डॉलर रो ऑफ आईडी। समझिएगा क्या कर रहे हैं हम यहां पे, डॉलर आईडी प्लस प्लस, और अब मैं बोलता हूं कि वो जो स्लग जनरेट हुआ था इज इक्वल टू दैट स्लग कॉनकैटिनेट डॉलर आईडी। एक बार इसे रन करता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं क्या मैं यहां पे करना चाह रहा हूं। तो ये हमारा पेज है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, देखिएगा ये क्या हुआ, इसने तो कुछ अच्छा, इनफैक्ट हम यहां पे एल्स को हटा ही देते हैं, इसको इको कर देते हैं, इसको कंट्रोल F5। अब देखिए, ये देखिए क्या हुआ, इस बार उसने बोला कि ऑलरेडी वो स्लग एडिट था, इसलिए मैं जो स्लग दूंगा वो कुछ नया दूंगा। मान लेते हैं कि हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब जब मैं वो दोबारा स्लग जनरेट करा तो देखो इसने मुझे फिर से वही स्लग दे दिया। अब ये ना, ये क्या होता है, ये जब आप कोड करते हो ना तो आपको क्या लगता है कि कोड सही है, पर ऐसे छोटे से बग रह जाते हैं, इसीलिए सेल्फ टेस्टिंग करनी भी जरूरी है कोड की। देखिए क्या हुआ, हमने क्या बोला था, इस क्वेरी में छोटा सा चेंज है बस खाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट वेयर स्लग इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसने क्या करा, इसने ये स्लग आईडी ढूंढी, अब इसने क्या बोला, इस स्लग के क्योंकि दो नंबर की आईडी हमने डिलीट कर दी है तो इसने ऑटोमेटिकली यहां पे भी अगर आप देखो तो दो जनरेटेड है, पर इसने ये जो पुराने वाला आईडी निकाला इससे एक इंसर्ट करके दे दिया, तो ये थोड़ा सा आपके सामने यहां पे गड़बड़ है। तो इसको अभी कैसे हैंडल करें वो यहां पे सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए एक छोटा सा काम खाली यहां पे कर सकते हैं कि जो हम लोग यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट की बात कर रहे हैं, इसी टेबल में खाली इतना कर लें कि जो भी हमारी लास्ट इंसर्टेड आईडी है इस टेबल की, उसके बाद की जो एक वैल्यू है वो यहाँ पे खाली उठा लें। तो ये जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसको करने की जगह पे हमें एक छोटा सा और क्वेरी जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं इधर चलता हूँ और यहाँ बोल देते हैं सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम दिस एस आईडी। तो मैंने बोला कि ये जो टेबल है यहाँ से जो मैक्स आईडी है वो मुझे उठा के आप दे दो, जो भी मैक्स जनरेटेड आईडी है यहाँ पे, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, उसमें से हम लोग ये डेटा उठा देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। चलो जी अब देखते हैं एक बार क्या होता है। तो हम लोग इधर आते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, ये आ गई वार्निंग, बढ़िया है वार्निंग आ गई। तो एसोसिएटेड पैरामीटर वन कहाँ बोल रहा है, लाइन नंबर 11 में बोल रहा है, लाइन नंबर 11 क्या है, सिलेक्ट मैक्स आईडी, अरे रे 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 थोड़ा सा गड़बड़ था। अब देखो, अब ऑटोमेटिकली उसने जो उठाया यहां पे चार उठाया, पहले क्या उठा रहा था वो दो उठा रहा था, अब ये चीज भाई यहां पे एग्जिस्ट करती नहीं। अब जब आप डेटा सबमिट करोगे तो वो चीज आपकी बराबर डेटाबेस में सबमिट हो जाएगी। अब अंतर क्या है, यहां तक तो बराबर है सब कुछ, लेकिन अगर कोई होशियार आदमी आया और उसने यहां पे इसे दो कर दिया या उसने यहां पे इसे हटा दिया तब क्या होगा, तो इस चीज को एक बार हमें यहां पे और चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और डेटाबेस में डेटा सबमिट करने से पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि भाई अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमने बोल दिया कि भाई अगर तो ये चीज एग्जिस्ट करती है तो हम लोग यहां पे बोल देंगे, अदरवाइज हम लोग इको कर देते हैं यहां पे और बोल देते हैं भाई क्या स्लग ऑलरेडी एडिट, कुछ भी इस तरीके की एरर यहां पे दे दी। अब देखिए क्या होगा,
कि जैसे ही मैंने सबमिट करा ना, तो इस बार मुझे ये एरर यहाँ पे आ गई। अब यही एरर मैं इधर दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग अलर्ट कर देते हैं। मैं इतना देखिए वो डिज़ाइनिंग के पार्ट में नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ पे बटन डिसेबल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बस आप लोगों को खाली एक एजुकेशनल बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं। अभी सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे ये सबमिट हो जाए और थैंक यू आ जाए, ये इतना तो खैर हम कर ही लेते हैं। या फिर चलिए मैं कर देता हूँ, कल को फिर कोई कमेंट आ जाएगा कि यार आपने यहाँ पे ये रिमूव करना या ये खाली करना ये नहीं बताया। तो एक काम कर देते हैं, इस पर एक आईडी रिजल्ट भी कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जब भी ये बटन पे क्लिक होगा तो जो भी रिजल्ट में मेरे लिखा हुआ होगा मैं उसको यहाँ पे हटा लेता हूँ, QUERY। जो भी रिजल्ट में आएगा उसको हम लोग .html उसको एम्प्टी कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब जब मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे तब तो ठीक है, और अगर ये जो भी डेटा यहाँ पे आएगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से कर देते हैं पोस्ट एडिट। चलते हैं एक बार Ctrl F5 और भाई सबमिट, पोस्ट एडिट आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? हमने बोला अच्छा गलत करेंगे तो गलत ही होगा, इसको यहां डाल देते हैं ना। चलो अब देखते हैं Ctrl F5, 5 आ गया पोस्ट एडिट। दोबारा सबमिट करूंगा तो बोल देगा कि भाई स्लग जो है ऑलरेडी एडिट है। अब यार इसको खाली करना, कर लेना, इतना जेसन से डेटा फॉर्मेट आप रिटर्न करके यहाँ पे कर सकते हो, इतना डिटेल में हम लोग नहीं देख रहे। अच्छा अब एक प्रॉब्लम वाली बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो ये है कि get_slug.php। अगर किसी ने ये URLs को डायरेक्टली हिट कर लिया तो क्या होगा? तो आइडियली ये चीज़ मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा लेनी चाहिए, इफ इज सेट, कि अगर मेरे पास ये पोस्ट में आएगा एंड दिस नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये कंडीशन है तभी मैं इधर जाऊंगा, इधर मतलब। अब यहां से क्या है ना कि किसी ने अगर डायरेक्टली हिट कराना तो वो एरर नहीं आएगी अपनी यहां पे। और दूसरा चीज, एक काम और कर लेते हैं, MySQLi_realscape_string कनेक्टिविटी, भाई हमेशा जरूरी है, हैकिंग से बचना है तो हैकर हर जगह भरे पड़े हैं, फालतू में कहीं कुछ हो जाएगा, इसीलिए जब भी कुछ पोस्ट से लेते हैं तो भाई अपना सेफर साइड उसको हम लोग यूज़ कर लें तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। कैसे? एक काम करते हैं ना यार, इसी कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं और इसी को मैं दो बार डाल देता हूँ, इस बार डाल देते हैं स्लग। तो अब फायदा खाली क्या आ गया कि अब अपना पेज जो है वो बराबर वो कंडीशन को फॉलो करेगा, अगर कंडीशन चलेंगी तो पेज चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक बार दोबारा चेक कर ले, सब कुछ बराबर है, चलें। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है हेलो विशाल VISHAL, सब कुछ ठीक है, डेटा पोस्ट, दोबारा सबमिट, डेट्स स्लग ऑलरेडी एडिट। और अगर मैं इसको एक बार रीलोड करके, तो ये ऑटोमेटिकली 7 दे देगा और मेरा जो पोस्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब फ्रंट एंड के टाइम पे आप क्या कर लोगे, भाई ये जो स्लग आ रहा है जहाँ पे ये स्लग का आईडी मिल रही है उसके बेस पे डेटा निकाल लो, वो खैर फ्रंट एंड का पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से गाइज आप लोग ये जो स्लग ऐड करने वाला काम है कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जब CMS बनाते हैं, e-commerce बनाते हैं, या कस्टम जब URL इस तरीके से बनाना हो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था गाइस वीडियो, सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे दे दूंगा मैं टेबल सारी चीज़ों के साथ, तो अगर यूज़ करना आप कर सकते हैं। अगेन गाइस कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट है, एडिटर यार फिर से जो आपका मन करे यूज़ कर लो, मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक जो MySQLi फंक्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ, आपका मन है यार आपको दूसरा फंक्शन यूज़ करना है वो कर लो, मैं Ajax यूज़ कर रहा हूँ आपको किसी और से करना है कर लो, लॉजिक है वो मुझे आप लोगों को समझाना था, जो मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये था गाइस वीडियो हमारा, स्लग कैसे जनरेट कर सकते हैं, इवन PHP की जगह किसी दूसरे लैंग्वेज में भी करना चाहो ना सेम तरीके से ही होगा, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर करो, पहली बार देख रहे हो और ऐसे वीडियोस चाहते हो रेगुलर बने, तो उसके लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।